निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग और निष्पक्षता के साथ संपन्न कराने को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश पांडे द्वारा बैठक कर पुलिस अधीनस्थों को व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपराधिक तत्वों के खिलाफ पाबंद और निरोधात्मक कार्रवाई किए जाने को लेकर निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर SSP शैलेश पांडे द्वारा जानकारी दी गई। आपकी तरफ से क्या क्या सुरक्षा की व्यवस्था है? देखिए, सभी अवगत हैं नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 की जो कार्रवाई है वो प्रचलित है, इसमें नामांकन हो चुका है और प्रचार की भी सरगर्मियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। प्रथम चरण में ही जनपद मतदान में चुनाव होने, जिसमें एक नगर निगम, एक नगर पालिका और 13 नगर पंचायतें जो जनपद के विभिन्न हिस्सों में हैं, उनको लेके सुरक्षा का व्यापक खाता जो है खींच लिया गया है। हमारी एक तरह से टेंटेटिव हमारी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान जो है तैयार है। साथ ही साथ इसको लेके दो मेजर एरिया पे हम लोग फोकस करते हैं। एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसमें हम लोगों के बीच फ्लैग मार्च करके, रूट मार्च करके, सेंटर्स पे जाके बैठकें करके लोगों में विश्वास जगाते हैं कि फ्री फेयर इलेक्शन कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हम पूरी तरह से सुनिश्चित करेंगे। भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष मतदान करें लोग, इसके लिए हम लोग लगातार प्रेरित करते हैं। साथ ही साथ जो आपराधिक तत्व हैं, जो इसमें गड़बड़ी फैलाने की जिनसे आशंका होती है, उनको पाबंदी, गुंडा एक्ट की कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, अवैध शस्त्र पे कार्रवाई, शस्त्र फैक्ट्री पे कार्रवाई, तमाम प्रिवेंटिव एक्शन भी हम लेते हैं। वारंटियों की गिरफ्तारी कराते हैं, साथ ही साथ जो अपराध से अर्जित संपत्ति है उसको गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करते हैं, अवैध शराब मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई आपराधिक तत्वों पर भी हम करते हैं, जिससे कि एक माहौल शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जो माहौल की आवश्यकता होती, जो एनवायरमेंट क्रिएशन होता है वो इससे होता है। और इन दोनों एस्पेक्ट्स पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और एफर्मेटिव एक्शन, इन दोनों एस्पेक्ट्स पे हम लोग लगातार काम करते हुए चुनाव को बिल्कुल भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। आज भी मेरे और DM साहब द्वारा मंडी समिति का भ्रमण किया गया नगर में, क्योंकि वहाँ से पोलिंग पार्टियाँ रवाना होंगी नगर निगम चुनाव के लिए और साथ ही साथ वापस वहीं आके जमा होंगी और साथ ही साथ काउंटिंग होगी। तो उनकी व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए भी आज हम लोगों ने भ्रमण किया था। हमारे सभी CEOs, SDM की कल मीटिंग हुई, साथ ही साथ सभी सेक्टर जोनल मैजिस्ट्रेट्स की और पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग हुई। FST और SST जो हमारी टीमें हैं, स्टैटिक सर्विलांस टीम और क्राइम स्क्वाड टीम, उनकी बैठक हुई।